आशा बहुओं की अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार जारी है। पूर्व में ही आशा बहु कल्याण समिति उत्तर प्रदेश ने इसकी घोषणा कर रखी थी। अब उसी के तहत अपने काम का बहिष्कार करते हुए आशा बहुएं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गई हैं। सुल्तानपुर जनपद के प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र पर आशा बहुओं का जोरदार प्रदर्शन जारी है। आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोतीगढ़पुर पर आशा बहुओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को उठाया। संगठन की प्रदेश अध्यक्ष सीमा सिंह के नेतृत्व में ये अनिश्चितकालीन धरना जारी है। आशा बहुओं का कहना है कि पिछले कई सालों से बस लोक लुभावने वादे किए गए, कोरोना काल में हमने सबसे आगे खड़े होकर अपनी भूमिका निभाई, लेकिन सरकार से सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। उनका कहना है कि यदि सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी तो ये धरना लगातार जारी रहेगा और साथ ही वो चुनाव का बहिष्कार भी करेंगी। जो सरकार उनकी मांगों का निस्तारण करेगी, आशा बहुएं उसी के साथ जाएंगी। इस मौके पर संगठन की प्रदेश अध्यक्ष सीमा सिंह ने हमारे चैनल से खास बातचीत में क्या कहा, सुनिए। ये धरना प्रदर्शन चल रहा है और कब तक ये जारी रहेगा? हम लोग तो 14 दिसंबर से भैया चल रहा है, अभी तक धरना राजी। जब तक सरकार मेरी मांगें नहीं पूरी कर देती तब तक हमारा धरना अनवरत। क्या क्या मांगे हैं आपकी, किन मांगों को लेकर ये प्रदर्शन जारी है? हम लोग का मांग यही है कि जो हम लोगों को टुकड़े टुकड़े में दिया जा रहा है उसको एक मद करके सरकार हमारी दे, और जो हमारी जैसे एक्सीडेंटल बीमा हो या हमारी बहनों का स्वास्थ्य बीमा हो, ये सारी चीज़ें लेकर के हम लोग इतना दिनों से कोरोना में काम करते चले आए। हम लोग का संघर्ष आयो दिन बढ़ता रहता है, काम बढ़ती रहती है, लेकिन मेरी सरकार एक भी मांगे नहीं पूरी। आपकी सरकार तो आपकी सुन नहीं रही है, अभी अगर नहीं सुनवाई होती है तो आप क्या करेंगे? तब भी हम धरने पर बैठे रहेंगे जब तक हमारी शाम सुन नहीं रहती। धरना नहीं रहेगा तो हम अपना काम का बहिष्कार करके घर पर बैठे रहेंगे। आपके इस धरने का असर क्या चुनाव पे भी देखने को मिलेगा? जी, अगर मेरी सरकार मेरी बात मान लेती है तो वोट उनको मिलेगा, नहीं तो हम दूसरा पलट लेंगे अपना। धरना प्रदर्शन में आशा बहुओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदेश अध्यक्ष सीमा सिंह के नेतृत्व में सुल्तानपुर जिले के चांदा, लंबुआ, कादीपुर, मोतीगढ़पुर सहित तमाम क्षेत्रों से आशा बहुएं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोतीगढ़पुर पर इकट्ठी हुई और जोरदार प्रदर्शन किया। आशा बहुओं की मांग है कि प्रोत्साहन राशि के बदले एक निश्चित मानदेय, शिकायत हेल्पलाइन की व्यवस्था, उचित कर्मचारी का दर्जा, बीमा की व्यवस्था, विभागीय शोषण से सुरक्षा, योग्यता के आधार पर पदोन्नति भी की जाए। मांगे स्वीकार न होने पर इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार को झेलना पड़ेगा। धरना प्रदर्शन में काफी संख्या में आशा बहु व आशा संगिनी शामिल रही। सुल्तानपुर से 944 न्यूज के लिए अवनीश त्रिपाठी के साथ अंजू त्रिपाठी की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज